मेरा मोबाइल वहां से लाने पर चार्जिंग खुल गया। ओके थैंक यू बेटा। हो गया गुड मॉर्निंग शिवानी साक्षी सानिका सोहम सिद्धि दिव्या वेणु श्रेया प्रज्ञा श्रद्धा शीतल नेहा आदित्य ऋतुजा गुड मॉर्निंग। देखिए हमारा लास्ट पॉइंट है इस टॉपिक का फेट ऑफ अमोनिया, पर उसके पहले एक एनिमेशन देख लेते हैं, एक बार थोड़ा सा और रिवाइज कर लेते हैं। और उसके अंदर का एक ही पॉइंट रहा हमारा नाइट्रिफिकेशन, और बाकी सब जो पार्ट है वो हमारा हो चुका था, ठीक है ना। वहां तक का पार्ट हमारा हो चुका था, ऑनली थोड़ा सा ही पार्ट हमारा रिमेनिंग है तो वो ले लेंगे, यानी कि जो नाइट्रिफिकेशन ऑनली रिमेनिंग है बस उतना ले लेंगे। फिर तो उसके बाद आगे का फेट ऑफ अमोनिया एसिड रहेगा, मतलब फेट ऑफ अमोनिया, अमोनिया बोलेंगे इसको। तो देखिए एक मिनट ये आगे का लेंगे आप, यहाँ पर एक एनिमेशन दिखा रखा है। ये हो गया था हाइड्रोपोनिक्स। एसेंशियल मिनरल भी हो गया था हमारा, ये भी हो गया था। वन सेकंड सर, एक लिंक भेजने का। और गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। वन सेकंड सर, एक लिंक भेजने का। और हाँ ओके, एक एनिमेशन दिखा देता हूँ, या तो पहले थोड़ा सा आपको नाइट्रोजन साइकिल में क्या क्या बोला था और कहां तक हुआ था हमारा। नाइट्रोजन साइकिल में बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, अमोनिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन और नाइट्रिफिकेशन, इतना सब था। नाइट्रिफिकेशन भी हो गया था हमारा, ठीक है ना। उसके अंदर ऑनली डीनाइट्रिफिकेशन रिमेनिंग था। डीनाइट्रिफिकेशन मतलब इजी है, क्योंकि जब मैंने आपको प्रोसेस बोली थी नाइट्रिफिकेशन की, तो तब देखिए क्या बोला था। एक एनिमेशन दिखा देता हूँ, या तो पहले थोड़ा सा आपको नाइट्रोजन साइकिल में क्या क्या बोला था और कहां तक हुआ था हमारा। नाइट्रोजन साइकिल नाइट्रोजन साइकिल
नाइट्रोजन साइकिल, इसके अंदर का हमारा नाइट्रोजन फिक्सेशन हो चुका है, जिसके अंदर हमने बायोलॉजिकल फिजिको केमिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन देख चुके हैं। अमोनिफिकेशन भी हो चुका है हमारा, व्हाट इज बाय अमोनिफिकेशन, ये हो चुका है हमारा। उसके बाद नंबर थर्ड हमने देखा था नाइट्रिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन भी हो चुका था। क्या देखा था हमने नाइट्रिफिकेशन में, जो अमोनिया है उसका कन्वर्शन पहले नाइट्राइट में होगा, बाद में नाइट्रेट में होगा, तो ये। और अब रही फोर्थ स्टेप जो है डीनाइट्रिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन, फोर्थ स्टेप इज डीनाइट्रिफिकेशन। तो अब ये हमारा हो चुका था, देखो पहले हमने रिएक्शन क्या देखी थी, ये जो अमोनिया है, अमोनिया से क्या तैयार होता है, एनओ टू, मतलब ये क्या होगा नाइट्राइट, और नाइट्राइट से क्या तैयार होगा एनओ थ्री, मतलब नाइट्रेट। दिस इज अमोनिया, दिस इज नाइट्राइट एंड दिस वन इज नाइट्रेट, ये हो गया। ये रिएक्शन थी किसके अंदर देखे हम, ये नाइट्रोजन साइकिल में ये रिएक्शन देखी थी। अब हमको पता है कि अमोनिया से एनओ टू होने के लिए कौन कौन से बैक्टीरिया लग रहे थे, एक तो नाइट्रोसोमानस या तो नाइट्रोकोकस, नाइट्रोकोकस, और गूगल पे आप नाम सर्च करोगे तो इसका नाम लिखे वाला नाइट्रोसोकोकस, फिर और बोलोगे ये कौन सा नेम है बोल के, तो ये तीनों नेम है। और यहां पर कौन सा बैक्टीरिया लगता है, नाइट्रोबैक्टर या नाइट्रोसिस्टिस, ये। अब यहां पर ये जो एनओ थ्री फॉर्म हुआ, ये जो एनओ थ्री में वाला एनओ एन और ऑक्सीजन, ये सेपरेट हो जाना, ये सेपरेट हो जाना, किसकी वजह से सेपरेट होगा, ये जिस प्रोसेस से सेपरेट होगा उसी प्रोसेस को बोले हम डीनाइट्रिफिकेशन। ये डीनाइट्रिफिकेशन वर्ड यहां पर आएगा, डीनाइट्रिफिकेशन इसको बोलते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। और इसके पहले नाइट्रोजन से अमोनिया तैयार होना, मतलब ये क्या था, नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये था नाइट्रोजन फिक्सेशन। और अमोनिया से एनओ टू एनओ थ्री तैयार होना, इसको बोलते हैं अमोनिफिकेशन, सॉरी नाइट्रिफिकेशन। और अमोनिफिकेशन मतलब ये अमोनिया ब्रेक होना, तो डीनाइट्रिफिकेशन हम किसको बोल रहे हैं कि इट इज द नाइट्रेट्स, मतलब ब्रेक डाउन होगा, इट इज द ब्रेक डाउन ऑफ नाइट्रेट्स इंटू अ गैसियस नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड बाय सम ऑर्गेनिज्म, तो ये ऐसा हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। व्हाट इज बाय डीनाइट्रिफिकेशन, यहां पर डेफिनेशन लिख देता हूं, डीनाइट्रिफिकेशन इसका मीनिंग क्या होगा, नाम से ही समझ में आता, देखिए डी मतलब डिलीट और नाइट्रिफिकेशन मतलब नाम से समझ में आता कि नाइट्रिफिकेशन मतलब क्या, मोबिलिटी टर्म बोलता हूं, ओके ठीक है। डीनाइट्रिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन का मीनिंग क्या होगा, तो बोले अपन कि ब्रेक डाउन ऑफ किसका ब्रेक डाउन हो रहा था, यहां पर दिख रहा है हमको ये जो नाइट्रोजन है, हाँ ब्रेक डाउन ऑफ नाइट्रेट, नाइट्रेट इनटू गैसियस नाइट्रोजन, गैसियस नाइट्रोजन। ये देखिए ये जो NO3 था, ये NO3 ब्रेक हो रहा है किसके अंदर, इसके अंदर और इसके अंदर, मतलब ये है गैसियस नाइट्रोजन और ये है गैसियस ऑक्सीजन। या तो गैसियस नाइट्रोजन में या नाइट्रोजन ऑक्साइड में क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है, गैसियस नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड भी बोल सकता है, क्योंकि देखो ये N भी प्रोड्यूस हो सकता है या ऐसे NO भी प्रोड्यूस हो सकता है और NO2 भी हो सकता है, तो मतलब ऐसे भी सेपरेट ये हो जाएगा, तो इसको बोले हम गैसियस ब्रेकडाउन, इसका मीनिंग होता है गैसियस ब्रेकडाउन, इनटू गैसियस नाइट्रोजन ऑक्साइड, तो इसको बोलेंगे डीनाइट्रिफिकेशन विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब कुछ बैक्टीरिया कि जो इस प्रोसेस में हेल्प करते हैं। कौन कौन से माइक्रोब हेल्प करते हैं, इनके नाम याद रखने का है, एक रहेगा थियोबैसिलस,
पहले ये बोल लेता हूँ, उसके बाद आपका जो क्वेश्चन है वो बोल लेता हूँ, थियोबैसिलस, उसके बाद सुडोमोनास डी नाइटिलकंस, सुडोमोनास डी नाइट्रिथिकन्स, सुडोमोनास डी नाइट्रिथिकन्स, या तो नाइट्रोकोकस, ये भी एक बैक्टीरिया है, नाइट्रोकोकस, नाइट्रोकोकस। तो मतलब देखिए, ये सब माइक्रोब है कि जो डी नाइट्रिफिकेशन में हेल्प करता है। यहां तक समझ में आ गया? नाइट्रोजन साइकिल में हमने 4 स्टेप्स देखे थे, नाइट्रोजन फिक्सेशन। मेरा फेस नहीं दिख रहा है, पूरा ब्लैक दिख रहा है, स्लाइड तो दिख रही है ना, वो देखिए, क्योंकि पीछे विंडो है, अगर मैं इधर लिया फिर ये जो पेन टैब है वो प्रॉपरली नहीं बैठ रहा, इसलिए मुझे इस तरह का पोजीशन करना पड़ा, और होल्डर यहां पर है, मतलब लैपटॉप चार्जिंग सब कुछ, तो इसलिए अभी रुके लाइट चालू करता हूँ। अब दिख रहा है क्या? देखो लाइट चालू किया, अब दिखता होगा। तो ये याद रहेगा, व्हाट इज माय डी नाइट्रिफिकेशन? डी नाइट्रिफिकेशन इज ब्रेक डाउन ऑफ दिस नाइट्रेट इनटू गैसियस नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म? तो थियोबैसिलस, मतलब थियो का मतलब होता है सल्फर, और बैसिलस का मीनिंग होता है रॉड शेप बैक्टीरिया, फिर सुडोमोनास डी नाइट्रिफिकेंस और नाइट्रोकोकस। इसमें से इस बैक्टीरिया का नाम पक्का याद रखिए, क्योंकि इसके नेम में ही, देखो इसके नेम से ही समझ में आता है कि ये डीनाइट्रिफिकेशन करेगा, डीनाइट्रिफिकेशन नाम है तो ये। और पूरा क्लास देखने का, देखिए क्लास स्विच करना, इधर भागना उधर भागना, थोड़ा सा लैग हुआ तो इधर उधर, ऐसा मत कीजिए, पूरी तरह से ध्यान दीजिएगा, ठीक है? तो ये नाइट्रोकोकस, ये हो गया डीनाइट्रिफिकेशन। उसके बाद देखिए, ये हमारा अमोनिफिकेशन हो चुका था, यानी कि नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब एक बार ये एनिमेशन दिखा था, देखिए ये देखिए, उसके बाद फेट ऑफ अमोनिया देखेंगे हम। अच्छा ठीक है, यही देख लेते हैं, फेट ऑफ अमोनिया, पहले फेट ऑफ अमोनिया देख लेते हैं, या ये देखेंगे। Even though our atmosphere consists of several gases, but the main constituent is the nitrogen gas, which contributes around 78% of the atmospheric gases. So the atmosphere is the largest reservoir of nitrogen of the Earth and contains about 10 to the power 15 tons of nitrogen gas. But even after presence of such large amounts in the air, the nitrogen usually becomes deficient in plants, as the content of nitrogen in soil is very poor and the requirement is very high. On top of that, no plants or animals are able to utilize it directly from the atmosphere due to its inert diatomic form. The only group of organisms capable of doing so are a small group of prokaryotes called diazotrophs. However, some plants evolved to compensate for this demerit by performing symbiotic association with the diazotrophs, explained with the help of legume rhizobium symbiosis. The bacteria rhizobium are symbiotically associated with the root of legumes. The rhizobium obtains nutrition from the cells of root and in turn fixes atmospheric nitrogen into ammonia, which is used by the plant cells. This process of nitrogen fixation is performed in specialized outgrowth of root called root nodules. So in this video, we are going to see how these associations are produced. The soil usually contains thousands of bacteria present in free living forms. Some of these bacteria might belong to the genera Rhizobium, which can be identified by rod-shaped cells having multiple flagella and being gram-negative in nature. These bacteria can exist in soil in free living forms but are not able to fix atmospheric nitrogen in that state. During symbiosis, it undergoes structural and physiological changes to be able to perform nitrogen fixation.
There are also some diazotopes that can perform nitrogen fixation in free living forms without the need to perform symbiosis. But are not able to fix atmospheric nitrogen in that state. During symbiosis, it undergoes structural and physiological changes to be able to perform nitrogen fixation. There are also some diazotopes that can perform nitrogen fixation in free living forms without the need to perform symbiosis. These bacteria can either be aerobic or anaerobic. But the majority of soil bacteria are heterotrophs and do not have the ability to fix atmospheric nitrogen. So the process of root formation is initiated when the leguminous plant releases certain chemicals through their roots. These released chemicals may include amino acids, dicarboxylic acids, and very low concentration of excreted components called flavonoids. The rhizobium present in the surrounding soil are attracted toward these chemicals and moves by chemotactic movement. These bacteria accumulates near the root hair and attaches to the root. Their roots. These released chemicals may include amino acids, dicarboxylic acids, and very low concentration of excreted components called flavonoids. The rhizobium present in the surrounding soil are attracted toward these chemicals and moves by chemotactic movement. These bacteria accumulates near the root hair and attaches to the root hair cell wall. After that, some chemicals called nodulation factors or knot factors are released by the bacterial cells, which causes the curling of root hair. Now these bacteria digest the cell wall of root hair and starts entering inside it. However, the bacteria never enters the cytoplasm of root hair, and this entry is achieved by the invagination of cell membrane of root hair. The structure formed due to this invagination is called infection thread, through which the bacteria enters inside the root. Upon entry of bacteria, simultaneously another event is taking place in the root cortex region. The cells of root cortex, specifically the pericycle layer, becomes dedifferentiated. This leads to the formation of mass of undifferentiated cells called nodule primordia. The cells of nodule primordia are the first to receive the bacterial cells. Top of that, no plants or animals are able to utilize it directly from the atmosphere due to its inert diatomic form. The only group of organisms capable of doing so are a small group of prokaryotes called diazotrophs. However, some plants evolved to compensate for this demerit by performing symbiotic association with the diazotrophs. That can be best explained with the help of legume rhizobium symbiosis. The bacteria rhizobium are symbiotically associated with the root of legumes. The rhizobium obtains nutrition from the cells of root and in turn fixes atmospheric nitrogen into ammonia, which is used by the plants. This process of nitrogen fixation is performed in specialized outgrowth of root called root nodules. So in this video, we are going to see how these associations are produced. The soil usually contains thousands of bacteria present in free living forms.
Some of these bacteria might belong to the genera Rhizobium, which can be identified by rod-shaped flagella and being gram-negative in nature. These bacteria can exist in soil in free living forms but are not able to fix atmospheric During survival, it undergoes structural and physiological changes to be able to perform nitrogen fixation. There are also some diazotrops that can perform nitrogen fixation in free living forms without the need to perform symbiosis. These bacteria can either be aerobic but the majority of soil bacteria are heterotrophs and do not have the ability to fix atmospheric nitrogen. The process of root formation is in through their roots. These released chemicals may include amino acids, dicarboxylic acid, and very low concentration of excreted components called flavonoids. The rhizobium present in the surrounding soil are attracted toward these chemicals and moves by chemotactic movement. These bacteria accumulates near the root hair and attaches to the root hair cell wall. After that, some chemicals called nodulation factors or nod factors are released by the bacterial cells, which causes the curling of root hair. Now these bacteria digest the cell wall of root hair and starts entering inside it. However, the bacteria never enters the cytoplasm. Even though our atmosphere consists of several gases, but the main constituent is the nitrogen gas, which contributes around 78% of the atmospheric gases. So the atmosphere is the largest reservoir of nitrogen of the Earth and contains about 10 to the power 15 tons of nitrogen gas. But even after presence of such large amounts in the air, the nitrogen usually becomes deficient in plants as the content of nitrogen in soil is very poor and the requirement is very high. On top of that, no plants or animals are able to utilize it directly from the atmosphere due to its inert diatomic form. The only group of organisms capable of doing so are a small group of prokaryotes called diazotrops. However, some plants evolved to compensate for this demerit by performing symbiotic association with the diazotrops that can be best explained with the help of legume rhizobium symbiosis. The bacteria rhizobium are symbiotically associated with the root of legumes. The rhizobium obtains nutrition from the cells of root and in turn fixes atmospheric nitrogen into ammonia, which is used by the plant cells. This process of nitrogen fixation is performed in root node. थोड़ा होता एकदम इमीडिएटली इतना वो नहीं हो पाएगा ना टेक्निकल चीजें थोड़ा सा होता इशू फिर जिसको नहीं पढ़ना है वो मत पढ़िए पर जो पढ़ रहा है उसको यानी कि एकदम क्लास बंद करो ये बंद करो बोल के देखिए थोड़ा साइलेंट रहना ना मतलब अब देखिए ये तो दिखाई देता होगा स्लाइड अब देखेंगे हम फेट ऑफ अमोनिया आपको थोड़ा भी डिस्टरबेंस ना हो इसलिए यानी कि मैं सब दरवाजा ये सब बंद करता हूं फैन भी बंद करता हूं गर्मी में बैठना पड़ता है पर मैं कंप्लेंट नहीं करता हूं कुछ फिर थोड़ा सा अगर इंटरनेट का इश्यू आता है पावर जाता है तो इसके अंदर मैं क्या कर सकता हूं फिर देखो फेट ऑफ अमोनिया ऑफ अमोनिया
रेट ऑफ अमोनिया मतलब क्या हो रहा है कि जो फिजियोलॉजिकल पीएच रहता है वहां पर अमोनिया प्रोटोनेटेड होकर उसके ऊपर वो अमोनियम में कन्वर्ट होगा। अमोनियम मतलब क्या होता है, ये जो NH3 है, NH3 में अगर एक प्रोटॉन मतलब हाइड्रोजन अगर ऐड हुआ तो NH4 तैयार होता है। अभी आवाज आ रहा है ना, अभी स्टॉप नहीं होता होगा। बराबर है, लैग ज्यादा हो रहा है, सही बात है, लैग तो हो रहा है, लैग हो रहा है, बराबर है, बराबर है, बहुत लैग हो रहा है, पता नहीं। थोड़ी देर रुकेंगे, अगर 5-10 मिनट के अंदर अगर हुआ ठीक। डोकिया छिंदा होंगे, इसमें डोकिया छिंदा वो क्या हो रहा है, नेट अगर लैग हुआ तो इसका मीनिंग ये थोड़ी वो दिमाग पूरा खराब करेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। वॉइस प्रॉब्लम आ रहा है क्या? अच्छा ठीक है ठीक है, अभी तो कमेंट आ रहे हैं, अभी अभी नेट चल रहा है लगता है क्लियरली। अब देखिए, अब तो आवाज आ रहा है, अब आवाज आता होगा, देखिए ठीक है। कमेंट करने को टाइम मिलता है। फेट ऑफ अमोनिया, फेट ऑफ अमोनिया मतलब बोला है कि यहां पर एट फिजियोलॉजिकल पीएच ये जो अमोनिया रहता है वो प्रोटोनेट होकर क्या होगा, वहां पर अमोनियम तैयार होगा जो कि प्लांट के लिए टॉक्सिक रहता है, तो इसलिए ये प्लांट एक्यूमुलेट इसको नहीं करेगा, इसलिए ये कन्वर्ट हो जाएगा डिफरेंट कंपाउंड में, मतलब इससे आगे जाकर क्या तैयार होने वाला है, प्रोटीन। ये देखिए क्या बोल रहा हूं मैं यहां पर, अगर दिख रहा होगा तो आपको, अभी नेट चल रहा है, ये जो अमोनिया है इस अमोनिया में अगर प्रोटॉन ऐड हुआ, क्या बोल रहा हूं मैं, एक ही बार 2-3 बार बोलूंगा, मतलब अगर आवाज नहीं आया, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ तो। अभी देखिए, हाँ हो सकता है अभी लाइट गई तो ये जो चार्जिंग है लैपटॉप की वो उतर के ये क्लास बंद हो सकता है। देखिए तो कोई प्रॉब्लम, अगर ऐसा हुआ तो फिर अपन रिपीट एक तो इवनिंग में क्लास लेने को देखूंगा मैं, ठीक है। अगर ऐसा कुछ हुआ तो इवनिंग में क्लास लेंगे, या तो रिकॉर्ड करके मैं क्लास डालूंगा, देखना है, ओके ठीक है। अगर ऐसा हुआ तो, क्योंकि अभी चार्जिंग कम है और पावर भी गया, हो सकता है बंद हो, होता है कभी कभी ऐसा, ठीक है। आपको नहीं दिखता होगा पर लैपटॉप पे, तो इसके अंदर ये बोला था मैं कि ये जो अमोनिया, अमोनिया में अगर प्रोटॉन ऐड हो गया तो इससे तैयार होता है अमोनियम, और ये जो अमोनियम है ये प्लांट के लिए है टॉक्सिक, टॉक्सिक टू प्लांट, इसलिए किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए कन्वर्ट हो जाता है अमाइनो एसिड में, अमाइनो एसिड में ये कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो रुके मैं क्लास ठीक है ऑफ ही करता हूँ, फिर बाद में लेंगे, यानी कि मैं आपको क्या करूंगा, एक लिंक भेजूंगा, फिर उस लिंक पे लेंगे, क्योंकि अभी लाइट भी गई और ना ही नेट चल रहा है, तो ऐसा इशू आ रहा है। डोंट वरी, क्योंकि हमारा ऑलमोस्ट कवर हो गया है सिलेबस, उसके अंदर ये कुछ नहीं, पर तब तक ये टॉपिक प्रिपेयर करके रखिएगा, इसके ऊपर हम क्वेश्चन भी प्रैक्टिस लेंगे, हमारे पास टाइम तो है, ठीक है। या तो मैं बना दो कोई भी एक स्टूडेंट को कॉल कर, नहीं नहीं आ गए, लाइट आ गई, हो गया प्रॉब्लम सॉल्व, लाइट आ गई। देखिए ये एक बार बोलता हूं, लाइट आ गई, क्लास बंद नहीं होगा, चालू रहेगा। देखिए पावर गया था, अभी आया। देखिए क्या बोला मैं, फेट ऑफ अमोनिया में कि ये जो अमोनिया है, अमोनिया हमको पता है कि ये लाइटर देन गैस रहता है, और अमोनिया हाईली टॉक्सिक है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, हाईली टॉक्सिक है,
ये हो चुका है आपका एक्सक्रीशन ऑस्मोरेगुलेशन में। अमोनिया इज हाईली टॉक्सिक। अब ये जो टॉक्सिक अमोनिया है इसके अंदर क्या होता है, प्रोटॉन ऐड होगा, ये है प्रोटॉन, प्रोटॉन ऐड हुआ तो इसके अंदर क्या तैयार होता है, अमोनियम। कहां पर अमोनियम, एट फिजियोलॉजिकल पीएच, एट फिजियोलॉजिकल पीएच, जो फिजियोलॉजिकल पीएच होता है वहां पर ये प्रोटॉन अमोनियम तैयार होगा। पर ये अमोनियम क्या होता है, इट कैन नॉट बी एक्यूमुलेटेड बाय प्लांट बिकॉज इट इज टॉक्सिक, कैन नॉट बी एक्यूमुलेटेड बाय प्लांट, ये प्लांट के अंदर एक्यूमुलेट नहीं हो सकता, कैन नॉट एक्यूमुलेटेड, कैन नॉट बी एक्यूमुलेटेड बाय प्लांट बिकॉज इट इज टॉक्सिक, ये टॉक्सिक है इसलिए प्लांट में अमोनियम नहीं रह सकता, इसको कन्वर्ट होना पड़ता है दूसरे फॉर्म में, एक्यूमुलेट इन, कैन नॉट बी एक्यूमुलेटेड इन प्लांट्स, इन प्लांट्स बिकॉज अमोनियम, ये NH4 प्लस मतलब अमोनियम, अमोनियम इज टॉक्सिक टू प्लांट, ये टॉक्सिक है, अमोनियम इज टॉक्सिक, टॉक्सिक टू प्लांट, इसलिए क्या होगा, इसको कन्वर्ट होना पड़ेगा किसके अंदर, यानी कि अमीनो एसिड और अमाइड तैयार करने में काम को आएगा। तो ये बोला मैं कि एट फिजियोलॉजिकल पीएच अमोनिया इज प्रोटोनेटेड टू फॉर्म अमोनियम आयन विच इज क्वाइट टॉक्सिक टू प्लांट एंड हेस कैन नॉट बी एक्यूमुलेटेड बाय देम एंड दिस इज कॉमनली यूज्ड टू सिंथेसाइज अमाइड्स एंड अमीनो एसिड, हेंस इट इज कॉमनली कॉमनली यूज्ड टू सिंथेसाइज, इसलिए इससे क्या सिंथेसाइज करेंगे, हेंस इट इज कॉमनली यूज्ड टू सिंथेसाइज एक तो अमीनो एसिड या नंबर टू क्या बनाएंगे इससे आगे, अमाइड्स, ये बनाने में ये काम को आएगा। तो समझना है क्या बोला कि जो अमोनिया, अमोनिया में अगर प्रोटॉन ऐड हुआ तो प्रोटॉन ऐड होने के वजह से अमोनियम तैयार होगा, कहां पर, एट फिजियोलॉजिकल पीएच मतलब पीएच अराउंड 6-8 के अंदर। तो इस पीएच पे जो अमोनियम तैयार होता है वो अमोनियम अगर प्लांट में एक्यूमुलेट हुआ तो वो बहुत हार्मफुल रहता है, जैसे आपने खाना खाया किसी भी एक्स पर्सन ने और वो सपोज उसका जो वेस्ट मैटर प्रोड्यूस हुआ वो डिफिकेट नहीं हुआ, मतलब वो टॉयलेट को नहीं गया, तो क्या होगा, उसको प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाएंगे क्योंकि उसके बॉडी में क्या एक्यूमुलेट हो गया, अमोनिया। वैसे प्लांट के अंदर अमोनिया क्या होता है कि हाईली टॉक्सिक है, अगर वो वैसा रहा तो प्लांट उसको एक्यूमुलेट नहीं कर सकते, इसीलिए उसको वो लेस हार्मफुल सब्सटेंस में कन्वर्ट करेंगे, या तो उसको यूजफुल सब्सटेंस में कन्वर्ट करना जरूरी है, तो इसलिए प्लांट क्या करेंगे, उसको अमीनो एसिड या अमाइड्स इसमें कन्वर्ट करेंगे। तो अब हमको पहले देखने का है कि अमीनो एसिड में इसको कैसा कन्वर्ट करता है, ठीक है, देखो अब ये मिटाता हूं मैं। देखो फर्स्ट इज अमीनो एसिड, अमीनो एसिड, अमीनो एसिड हमको पता है बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ यूनिट है, तो प्लांट ये अमोनिया को अमोनियम में कन्वर्ट करके अमीनो एसिड तैयार करेगा। तो अमीनो एसिड क्या है कि हमको पता है कि सबसे पहला प्रोडक्ट है जब नाइट्रोजन असिमिलेशन होता है, तो ये याद रखने का है, इट इज द इनिशियल, इनिशियल प्रोडक्ट ऑफ नाइट्रोजन असिमिलेशन, इनिशियल प्रोडक्ट, इनिशियल प्रोडक्ट ऑफ नाइट्रोजन असिमिलेशन, असिमिलेशन का मीनिंग समझ में आता है, अब्सॉर्ब करना, मतलब प्लांट के अंदर नाइट्रोजन जो है वो अमोनिया के फॉर्म में आया, अब उससे तैयार होगा अमीनो एसिड। तो इसके लिए क्या हो गया, फॉलोइंग टू स्टेप्स है, इसके लिए फॉलोइंग टू स्टेप, टू स्टेप यूज्ड टू सिंथेसाइज अमीनो एसिड, नीचे के दो स्टेप अभी बताऊंगा आपको कि जिससे अमीनो एसिड तैयार होगा, यूज्ड टू सिंथेसाइज अमीनो एसिड, कभी लैग होता है, कभी थोड़े माइनर प्रॉब्लम आते हैं, देखिए मैं जानबूझ के इतना ही करता हूँ, तो थोड़ा ये पेशेंस होल्ड करना, क्रिटिकल कंडीशन में पेशेंस होल्ड करना जरूरी रहता, मतलब गड़बड़ नहीं करना, अभी कोरोना आ गया तो लोग पागल थोड़ी ना हो गए, वो कंट्रोल कर ही रहे ना, ऐसा रिडक्टिव
पहली फेज रहेगी रिडक्टिव अमाइनेशन, रिडक्टिव अमाइनेशन। ये दो स्टेज से क्या हो रहा है कि नाइट्रोजन असिमिलेशन होने के बाद उससे अमाइनो एसिड तैयार होगा। तो पहले स्टेज में क्या होता है, जो अमोनियम है, अमोनियम के साथ एक फाइव कार्बन वाला कंपाउंड रिएक्ट करेगा, उस कंपाउंड का नाम है अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड, और उसका नाम आपने सुना है रेस्पिरेशन में, रेस्पिरेशन में उसका नाम आता है अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड, और एक कोएंजाइम लगेगा इन प्रेजेंस ऑफ ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेस, तो उससे प्रोड्यूस होगा ग्लूटामिक एसिड। क्या हो रहा है देखिए, क्या बोला मैंने आपको कि ये जो फाइव कार्बन वाला कंपाउंड है कौन, अल्फा केजीए, कौन है ये अल्फा केजीए, अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड, ये आपको आया था कहां पर, रेस्पिरेशन में, ये रिएक्ट होगा इस अमोनियम के साथ, मतलब NH4 प्लस के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ किसके प्रेजेंस में, NADPH, और किसके प्रेजेंस में, मतलब कौन सा एंजाइम, तो एंजाइम रहेगा यहां पर ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेस, ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेस, डिहाइड्रोजिनेस ये एंजाइम। तो ये जो एंजाइम है इसके साथ रिएक्ट होकर यहां पर क्या प्रोड्यूस होगा, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड प्लस, और क्या प्रोड्यूस होगा यहां पर, वाटर मॉलिक्यूल, और ये जो एनएडीपी है इसके क्या अंदर का हाइड्रोजन यूटिलाइज हुआ, तो मतलब सिर्फ क्या रहेगा रिमेनिंग, एनएडीपी। ये होगा फर्स्ट स्टेप में, जिसको बोलेंगे रिडक्टिव अमाइनेशन। रिडक्टिव अमाइनेशन में क्या हो रहा है कि प्लांट के अंदर कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड था, जो रेस्पिरेशन होते वक्त जो क्रेब साइकिल थी, क्रेब साइकिल में जो अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड प्रोड्यूस हुआ वो रिएक्ट होगा अमोनियम के साथ इन प्रेजेंस ऑफ कोएंजाइम एनएडीपीएच, इन प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेस, उससे ये प्रोड्यूस करेगा ग्लूटामिक एसिड। ग्लूटामिक एसिड एक अमाइनो एसिड है जो तैयार हुआ, प्लस वाटर मॉलिक्यूल होगा, मतलब डिहाइड्रेशन हुआ, और डिहाइड्रेशन होने के बाद क्या प्रोड्यूस होगा, एनएडीपी। ये हो गए फर्स्ट प्रोसेस, मतलब देखो यहां पर क्या हुआ, अमाइनो एसिड जो है वो सिंथेसाइज हो चुका है। अब यह इसकी दूसरी स्टेप होगी, मतलब यहां पर अमाइनो एसिड का सिंथेसिस तो हो गया, नंबर टू जो स्टेप रहेगी वो रहेगी ट्रांस अमाइनेशन। नंबर टू स्टेप इज ट्रांस अमाइनेशन, मैं ये मिटा के लिखूंगा यहां पर, इतना तो गया ये तो समझ में आया। नंबर टू स्टेज है ट्रांस अमाइनेशन, पहले इसको मिटा देता हूं, पर एक बार और बोल देता हूं, देखिए मिटाने के बाद आपको याद रहता है क्या, देखिए क्या देख रहे थे हम, फेट ऑफ अमोनियम, फेट ऑफ अमोनियम में ये देख रहे थे कि एट फिजियोलॉजिकल पीएच अमोनिया इज प्रोटोनेटेड टू फॉर्म अमोनियम, और अमोनियम को लेस हार्मफुल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या हो रहा है, उसका कन्वर्शन होगा किसमें, अमाइनो एसिड और अमाइड्स में। तो उसके अंदर पहली प्रोसेस देखी थी रिडक्टिव अमाइनेशन, नंबर टू स्टेप है ट्रांस अमाइनेशन। ट्रांस का मतलब ही समझ में आता है कि जो उसका फंक्शनल ग्रुप होता है वो चेंज करना, ट्रांस अमाइनेशन। ट्रांस अमाइनेशन में क्या होता है कि ट्रांसफर ऑफ अमाइनो एसिड टू कीटो ग्रुप ऑफ कीटो एसिड, इसके अंदर ये होगा ट्रांसफर ऑफ, अब पहला अमाइनो एसिड वहां पर तैयार हो गया था कौन, हाँ ग्लूटामिक एसिड तैयार हो गया था, तो ये याद रखने का। यहां पर क्या हो रहा है, मेरे को कमेंट भी देखना पड़ता है, इधर भी ध्यान देना पड़ता है, दोनों इसके अंदर क्या होगा, इट इन्वॉल्व्स द ट्रांसफर ऑफ, द ट्रांसफर ऑफ, ट्रांसफर ऑफ अमाइनो एसिड ग्रुप, अमाइनो एसिड टू कीटो ग्रुप ऑफ कीटो एसिड, टू कीटो ग्रुप ऑफ कीटो एसिड। कीटो ग्रुप मतलब समझ में आता है, कीटो किसको बोलते हैं, सी डबल बॉन्ड कीटोन, ये होगा। अब जब यहां पर ये प्रोसेस हो रही है तो ग्लूटामिक एसिड, देखो पहला अमाइनो एसिड जो प्लांट के अंदर तैयार हो रहा है, तो ये अमाइनो एसिड क्या करेगा, बाकी के 17 अमाइनो एसिड को तैयार करता है। जैसे देखिए अपन काऊ को चारा खिलाए, चारा जो भी हम फीड खिला रहे काऊ बफेलो जिसको भी, तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, पहले मिल्क प्रोड्यूस करेगा, उस मिल्क एक बार हमने लेने के बाद हम उससे कर्ड तैयार कर सकते हैं, बटर तैयार कर सकते हैं, चीज तैयार कर सकते हैं, पनीर तैयार कर सकते हैं, घी तैयार कर सकते हैं, तो उससे डायरेक्ट प्रोडक्ट आ गए।
तो वैसे ही प्लांट में क्या होता है कि अभी जैसा मैंने बोला कि प्लांट के अंदर, प्लांट ने जब अमोनिया लिया तो इसको प्रोटॉन अटैच होने के बाद इसके अंदर क्या तैयार हो गया, अमोनियम। ये अमोनियम प्लांट के लिए टॉक्सिक है, इसलिए किस में कन्वर्ट हुआ, एक तो अमीनो एसिड में या तो अमाइड्स में, ठीक है। अब ये जब अमीनो एसिड में तैयार होता था, यहां पर दो प्रोसेस बोले थे, एक बोले थे रिडक्टिव अमाइनेशन, रिडक्टिव अमाइनेशन, और दूसरा क्या था, ये ऊपर का नाम लिखे वाला ट्रांस अमाइनेस। तो ट्रांस अमाइनेस में क्या हो रहा है, इस रिडक्टिव अमाइनेशन में जो ग्लूटामिक एसिड तैयार हुआ था इसी को क्या हो रहा है, इसका ग्रुप ट्रांसफर होगा, मतलब ग्लूटामिक एसिड इज द मेन अमीनो एसिड फ्रॉम विच अदर 17 एसेंशियल मतलब अदर 17 अमीनो एसिड तैयार होंगे और ट्रांस अमाइनेशन से, और उसको एंजाइम लगेगा ट्रांस अमाइनेस। मतलब ये जो ग्लूटामिक एसिड है इससे क्या होगा, 17 अदर अमीनो एसिड तैयार होता है। एक प्रॉब्लम जाता है दूसरा चालू हो जाता है, अदर 17 अमीनो एसिड प्रोड्यूस होंगे और इसके लिए एक एंजाइम लगेगा, उस एंजाइम का नाम रहता है ट्रांस अमाइनेस। तो ये ठीक है, ये हो गया पूरी प्रोसेस। देखो मतलब क्या हुआ यहां पर कि जो ग्लूटामिक एसिड है, ग्लूटामिक एसिड यहां पर लिखता हूं, देखो ग्लूटामिक एसिड जो प्रोड्यूस हुआ था इज द मेन अमीनो एसिड। प्लांट में सबसे पहले प्रोड्यूस होने में जो अमीनो एसिड रहेगा वन ऑफ द, वो अमीनो एसिड रहेगा ग्लूटामिक एसिड, इज द मेन अमीनो एसिड फ्रॉम विच अदर 17 अमीनो एसिड आर फॉर्म्ड, अमीनो एसिड आर फॉर्म्ड थ्रू ट्रांस अमाइनेशन। और एंजाइम इसके लिए क्या लगेगा, एंजाइम रिक्वायर्ड, कौन सा एंजाइम लगेगा इस प्रोसेस के लिए, ट्रांस अमाइनेस। हो गया क्लियर, क्या बोला मैंने, क्लियर समझ में आया क्या बोला मैंने यहां पर, कि पहले क्या हुआ, ये जो अमोनियम था इससे रिडक्टिव अमाइनेशन में क्या हुआ, ये जो अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड अल्फा केजीए और उसके बाद पीएच, ये दोनों यूज करके क्या प्रोड्यूस किया उसके अंदर, ग्लूटामिक एसिड, और उस ग्लूटामिक एसिड के अंदर कीटो ग्रुप लगा के उससे क्या तैयार होगा, बाकी 17 अमीनो एसिड तैयार होना स्टार्ट हो जाता है। मिटाओ इसको और एक बार रिपीट बोलूंगा, एक बार मिटाओ क्या इसको, देख लो पढ़ लो ये क्या बोला मैंने यहां पर, देखो दिखता होगा, उसके बाद बोलना है अमाइड्स, ठीक है, रिपीट एक बार और बोलूंगा मैं, क्लियर नहीं है समझ में आ, अरे एनिमेशन को बाद में देखा, ये होने के बाद अमाइड होने के बाद मैं एनिमेशन बोलता हूं, 20 स्टेप है अमाइड्स। अब अमाइड्स मतलब क्या रहते हैं कि इनके अंदर अमीनो एसिड के कंपैरिजन में ज्यादा, मतलब इनमें प्रोटीन ज्यादा होता है अमीनो एसिड के भी कंपैरिजन में, तो ये ऐसे प्रोडक्ट है। अमाइड के अंदर दो इंपॉर्टेंट अमाइड्स रहते हैं प्लांट के अंदर, जिसके अंदर आता है एक एस्पार्जिन और ग्लूटामाइड्स। प्लांट के अंदर अगर देखें तो प्लांट हैज टू इंपॉर्टेंट अमाइड्स रहेंगे। ये सब मैं अभी और रिवाइज भी करूंगा आज या कल, मतलब रिवाइज करेंगे, तब तक आपका ये टॉपिक पक्का होना है। इस टॉपिक पे हम 100 क्वेश्चंस लेंगे, तो टॉपिक पूरा रिवाइज करके रखना है, लाइटली मत लो चीजों को। टू इंपॉर्टेंट अमाइड्स इन प्लांट्स आर इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड क्या रहेंगे, एक रहता है एस्पार्जिन एंड सेकंड इज ग्लूटामेट, सेकंड इज ग्लूटामाइन, मीनिंग एक ही होता, बस फंक्शनल ग्रुप का फर्क है यहां पर, अगर एटी लिखा तो ईस्टर लगाना पड़ेगा वहां पर, ग्लूटामाइन ये अमीनो एसिड, ये दोनों इंपॉर्टेंट है।
जो कि फॉर्म होते दो अमीनो एसिड से, विच आर फॉर्म फ्रॉम टू अमीनो एसिड, फ्रॉम टू अमीनो एसिड। कौन से अमीनो एसिड? ये जो एस्परजाइन और ये ग्लूटामाइन है, तो एस्परजाइन किससे तैयार होता है? एस्परजाइन से, एस्पार्टिक एसिड से, और ये जो प्रोड्यूस होगा ये ग्लूटामिक एसिड से तैयार होता है। तो ये पता होना चाहिए, एस्परजाइन किससे तैयार होगा? एस्पार्टिक एसिड। नाम सुना ना रे इसका, एस्पार्टिक एसिड का। C4 साइकिल में देखो, जो पेपर था 3 कार्बन वाला, वो जब कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करता है तो उससे 4 कार्बन वाला कंपाउंड तैयार होता है, ओ ए ऑक्सलोएसिटिक एसिड, वही कन्वर्ट हुआ था मैलिक एसिड में या एस्पार्टिक एसिड में, और ये ग्लूटामाइन तैयार होता है ग्लूटामिक एसिड से। और इनके लिए एंजाइम लगते हैं, कौन कौन से एंजाइम? इसके लिए लगता है एंजाइम एस्पार्टेस और इसके लिए लगता है ग्लूटामेस, और इसके लिए लगेगा ग्लूटामेस। ये एंजाइम के नाम है, दीज आर द एंजाइम्स। ये क्या है? अमीनो एसिड। और ये जो प्रोड्यूस हुआ ये क्या है? अमाइड्स, दीज आर अमाइड्स। देखो क्या बोला मैंने आपको, ये जो है ये एंजाइम्स है जो इस अमीनो एसिड को बनाने में हेल्प करे। ये अमीनो एसिड आगे जाके क्या करेंगे? अमाइड को तैयार करेंगे। तो ये याद रखने का, कौन से एंजाइम है, कौन से अमीनो एसिड है, और उनसे बनते कौन से अमाइड्स है। तो ये है अमाइड्स, और जो अमाइड्स रहते हैं उनके अंदर क्या रहता है? मोर नाइट्रोजन रहता है, और वो स्ट्रक्चरली अगर देखें तो वो पार्ट रहते हैं मेनी प्रोटीन के, यानी कि अलग अलग प्रोटीन बनाने में ये काम को आते हैं। तो ये याद रखने का है, क्या याद रखने का है कि अमाइड्स कंटेन, थोड़ा सा और लैग हो रहा है, अमाइड कंटेंस मोर नाइट्रोजन, अमाइड्स कंटेन मोर नाइट्रोजन देन अदर अमीनो एसिड, देन अमीनो एसिड, ये का मीनिंग होता है अमीनो एसिड, एंड आर स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ मेनी प्रोटीन, एंड आर स्ट्रक्चरल, स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ, स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ मेनी प्रोटीन्स, मेनी प्रोटीन्स, मेनी प्रोटीन्स, एंड आर ट्रांसपोर्टेड बाय थैलेमस, ट्रांसपोर्टेड बाय। अब देखिए कल ऐसा एक क्वेश्चन आया था, मिनरल कैसे ट्रांसपोर्ट होगा, वैसे ये ट्रांसपोर्ट होगा, ट्रांसपोर्टेड वाया ज़ाइलम वेसल, ज़ाइलम वेसल से ये ट्रांसफर होता है। तो ये याद रखने का, देखिए ये रहता है। और इन एडिशन टू दिस अमाइड्स मीन्स इन एडिशन टू अलॉन्ग विद द ट्रांसपोरेशन स्ट्रीम नूडल्स ऑफ सम प्लांट लाइक सोयाबीन आर फिक्स्ड नाइट्रोजन एज यूराइड्स, मतलब कुछ प्लांट के अंदर यूराइड्स के फॉर्म में भी ये स्टोर होता है, जिसके ऊपर कल एक क्वेश्चन आया था, अब वो क्वेश्चन बाहर का था। तो इतना ही पूरा याद रखने का, ठीक है? इतना समझ में आया क्या बोला मैं? हाँ, C4 साइकिल, इतना समझ। एस्परजिन इज अमाइड, यहाँ पर लिखा है मैंने आपको, ये देखिए एस्परजिन ये अमाइड है, एस्परजाइन एंड ग्लूटामेट दीज आर अमाइड्स। अमाइड्स में ज्यादा नाइट्रोजन होता है एज कंपेयर टू अमीनो एसिड, और अमीनो एसिड प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, है ना? ये डिफरेंस है, समझ में आ रहा क्या बोला मैं यहां पर? रुकिए यहां पर और लिखता मैं कि यहां पर अगर देखे तो इन एडिशन टू, यहां पर नहीं लिखूंगा, पूरा मिटा देता हूं, ये देखिए। तो यहां पर ये जो अमाइड तैयार हुए, तो यहां पर ये याद रखने का, इन एडिशन अलोंग विथ ट्रांसपिरेशन स्ट्रीम, मतलब पता है जब वाटर इवापोरेट होता है तो लीफ से प्लांट के, तो वाटर क्या होगा? प्लांट अब्सॉर्ब करेंगे रूट से, तो ट्रांसपिरेशन की वजह से क्या होगा? यहां पर एक स्ट्रीम नूडल्स ऑफ सम प्लांट, स्ट्रीम नूडल्स मतलब समझ में आएगा, ऑफ सम प्लांट, क्योंकि कुछ ये लेग्यूमिनस प्लांट के अंदर क्या है? नूडल है,
रूट में सम प्लांट्स। एग्जाम्पल अगर देखा जाए सोयाबीन, सोयाबीन सोयाबीन जो है तो वो क्या करेगा, ये यहां पर नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहा है, तो ये क्या करेगा सोयाबीन एक्सपोर्ट, सोयाबीन एक्सपोर्ट करेगा किसको, फिक्स्ड नाइट्रोजन को, द फिक्स्ड नाइट्रोजन, द फिक्स्ड नाइट्रोजन किसके फॉर्म में, एस यूरेट्स, एस यूरेट्स। तो इसके एग्जांपल क्या है, ये एग्जांपल इसके एलियंटोनिन, एलियंटोनिन, उसके बाद एलियंटोनिक एसिड और सिट्रुलिन। ठीक, एसिड और सिट्रुलिन, सिट्रुलिन ये सब यहां पर, ये नाम याद रखना है, देखो यूरेट्स। तो यहां पे अपना टॉपिक खत्म होता है। अब आपके डाउट क्या थे, किसी ने बोला था मुझे मोबाइल एलिमेंट क्या रहता, मोबिलिटी क्या रहता। देखो प्लांट के अंदर जो एलिमेंट फ्रीली घूमते हैं उसको बोलते हैं मोबाइल एलिमेंट। तो ये पता होना चाहिए मोबाइल कौन से और इमोबाइल कौन से। अभी किसी ने डाउट पूछा था ना, वो डाउट बोल रहा मैं। यहां पर टॉपिक तो खत्म हो चुका है, एक बार और रिवाइज कर लेंगे कल थोड़ा। मोबाइल एलिमेंट, मोबाइल एलिमेंट मतलब प्लांट के अंदर जो फ्रीली मूव कर सकते हैं उनको बोलते हैं मोबाइल एलिमेंट। इसके अंदर एग्जांपल बोला था मैं आपको, ये एनपीके, मैग्नीशियम, क्लोरीन, जिंक, मॉलिबेडियम, ये रहते हैं मोबाइल एलिमेंट। और इमोबाइल मतलब कौन सा रहता है, जो प्लांट के अंदर मूव नहीं होते ज्यादा, एक ही जगह फिक्स होकर रहता और अपना काम करता, ये ज्यादा मूवमेंट नहीं दिखाता, इसको बोलते हैं इमोबाइल एलिमेंट। जिसके अंदर क्या आता है, कैल्शियम, फेरस, बोरॉन, कॉपर, सल्फर, ये इमोबाइल है। क्लियर ना, एनिमेशन दिखाओ क्या, ठीक है देखो अभी अच्छा चल रहा है तो वो एनिमेशन में एक बार और पहले से स्टार्ट कर लेता हूं। किधर गया वो, ओके मेरे को देखना पड़ता है कहां पे वो पहले, ओके चल करता हूं। ये एनिमेशन देख लीजिएगा, Even though our atmosphere consists of several gases, but the main constituent is the nitrogen gas, which contributes around 78% of the atmospheric gases. So the atmosphere is the largest reservoir of nitrogen of the Earth and contains about 10 to the power 15 tons of nitrogen gas. But even after presence of such large amounts in the air, the nitrogen usually becomes deficient in plants as the content of nitrogen in soil is very poor and the requirement is very high. On top of that, no plants or animals are able to utilize it directly from the atmosphere due to its diaphragm. The only group of organisms are a small group of prokaryotes called diaphragms. However, some plants evolved to compensate for this deep symbiotic association with the diaphragms that can be best explained by Guillaume rhizobium symbiosis. The bacteria rhizobium are symbiotically associated with the root of legumes. The rhizobium obtains nutrients from the cell root and it fixes ammonia, which is used by the plant.